घर का एलिवेशन कैसा लग रहा है आज आप सभी को। आज हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये इंडिपेंडेंट घर, जिससे आपको इनकम भी आती रहेगी। है ना, ये जादुई घर। नहीं, मजाक कर रही हूँ। इसकी जो स्टेयर्स है ना, वो घर के बिल्कुल बाहर से है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एंड टॉप फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स बाहर से है। दैट मीन्स आपको आपके घर से एक रेंटल इनकम भी आती रहेगी। इसीलिए मैंने बोला ये घर है जादू वाला। चलिए मजाक छोड़िए, बेकार मजाक था। सबसे मेन बात पे आते हैं कि इस घर के बिल्कुल सामने ही आपको मिल रहा है पार्क। पार्क फेसिंग ये घर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये घर रहेगा। सामने देखिए बहुत ही ज्यादा स्पेशियस सा पार्क आपको मिल रहा है। आसपास लोकेलिटी की बात करें तो फुल्ली डेवलप एरिया है। कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर बन चुके हैं, सारे फैमिली वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से 3-4 घर छोड़ के आपको 1 किलोमीटर का बड़ा पार्क भी मिल जाता है। क्या बात है यार। एक तो ना हम आपको लेकर आए हैं गमाड़ा के सेक्टर के अंदर। गमाड़ा का सेक्टर जो है वो है सेक्टर 89। क्या बात है यार, क्या बात है। लोकेशन ही इतनी ज़्यादा प्यारी है, लोकेशन ही इतनी ज़्यादा कमाल है। तो आप सोचिए घर भी उतना ही कमाल होगा ही, है ना। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बाकी सारी बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे। प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, क्योंकि हमारे साथ न्यू व्यूअर्स, न्यू फैमिली मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हैरी द टीम के साथ। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा, और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि ऐसी घर की वीडियो पाने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइज से। तो ये जो घर है 200 गज का है। डायमेंशन की बात की जाए तो 30x60 के इसकी डायमेंशन है। पार्क फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। और घर से इनकम भी आ रही है, और क्या ही चाहिए। घर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एलिवेशन की बात करूं तो ऐसा एलिवेशन है घर का, काफी अच्छा एलिवेशन निकल के आ रहा है। पार्क्स भी आपको मिल रहे हैं। बात की जाए अगर गाड़ियों की पार्किंग की, तो हमारी ना लगभग मैं देख सकती हूँ तो दो गाड़ियाँ आराम से हो सकती हैं। मतलब 3 गाड़ियों की पार्किंग आपको मिल रही है आपके बोर्न स्पेस में। घर के बाहर भी आप पार्क कर सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी आपको रोड मिल रही है घर के बाहर। ये आपका मेन गेट आ जाता है जो ओपन होगा। बाहर को ओपन कर लीजिए या अंदर को, मेनली बाहर को ही ओपन कर लीजिए आप। अगर इसको ओपन नहीं करना है तो इसके बिल्कुल साथ ही में एक छोटा गेट भी है। ये आपका छोटा गेट आ चुका है। घर के अंदर अगर हम बात करें पार्किंग की, तो घर के अंदर आपकी 2-व्हीलर्स की पार्किंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि घर के अंदर पार्क करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं हमें आएगी, क्योंकि घर के बाहर ही हमारी गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। इधर आप अपनी 2-व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल ग्रास लगा के कुछ ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे आइडियाज़ के ऊपर। ये देखिए घर के अंदर आते ही इस तरफ को बात कर रहे थे ना हम इनकम की, कि घर से इनकम कैसे जनरेट होगा। ऐसे जनरेट होगा क्योंकि जो स्टेयर्स है वो बिल्कुल बाहर से हैं। आप रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और आप जिनको टेनेंट एज अ टेनेंट रखेंगे उनको आप रख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो वो भी अलग रहेंगे, आप भी अलग रहेंगे, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी, और आपको साथ में आपके घर से पैसा भी आता रहेगा। तो उसके बाद चलते हैं सीधा आपके घर की ओर। पहले तो ये देखिए, ये हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, हमारा डोर आ जाता है। वुडन का डोर है, डिजिटल लॉक के साथ है, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपको या आपकी फैमिली को ही पता होगा। यहाँ पे ये है ड्राइंग एरिया। क्या कमाल का ड्राइंग एरिया है, क्या ब्यूटीफुल सा सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं सोफा सेट्स का। ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग आ जाती है LED लाइट्स के साथ। इधर आप देखेंगे तो विंडो आ गई, ग्लास विंडो आ गई, ताकि आपका बाहर का व्यू भी बना रहे, वेंटिलेशन भी आता रहे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको वॉलपेपर नज़र आएगा, और साथ ही में ये भी नज़र आएगा कि पाइपलाइनिंग, AC की जो पाइपलाइनिंग है वो ऑलरेडी डन कर दी गई है। आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लेकर आना है अपना फर्नीचर, साथ ही में आपके कपड़े और बर्तन, और रहने लग जाना है। ये है आपका डाइनिंग एरिया। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं आपका 6-सीटर डाइनिंग टेबल। क्या कमाल का डाइनिंग टेबल सेटअप आप यहाँ पे करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा एंड एंजॉय करेंगे आपका टेस्टी मील। ये देखिए यहाँ पे आपका आता है
आप इसको कह सकते हैं क्रॉकरी यूनिट या फिर जैसे आपको यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या कमाल का क्रॉकरी यूनिट आराम से आ सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और कुछ एंटीक पीसेस, कुछ ग्रीनरी आप मेंटेन करिए तो बहुत सुंदर लगेगा। बातों ही बातों में हम आ चुके हैं किचन के अंदर। तो ये है हमारी किचन, बहुत ही बढ़िया किचन तैयार करी है। एक स्पेस मैनेज किया गया है, हर एक चीज के लिए अपना अपना स्पेस है। जैसे फ्रिज की बात करें तो फ्रिज का स्पेस इधर आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइक्रोवेव अवन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए बास्केट भी आ गई। यहाँ पे आपको चिमनी दिख रहा है, नीचे हॉब का स्पेस है, कैबिनेट्स काफी सारे हैं, लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स। दैट मीन्स हमें एक परफेक्ट किचन मिल रहा है जिसकी हमें ज़रूरत होती ही होती है, स्पेशली लेडीज़ को। यार वैसे भी आजकल लेडीज़ क्या बोलना, क्या जेंट्स बोलना, सब काम कर रहे हैं किचन के अंदर जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ चुके हैं बेडरूम के अंदर। ये बेडरूम रहेगा आपका बेडरूम, काफ़ी ज़्यादा कमाल का बेडरूम है। ऊपर आपकी आ जाती है फॉल सीलिंग LED लाइट्स के साथ। यहाँ देखिए तो एक सिंपल सा बट एलिगेंट सा वॉलपेपर लगाया है ताकि एक वॉल जो है आपकी अलग से चमके। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है आपका TV पैनल, काफ़ी बढ़िया TV पैनल है, बहुत ही स्पेशियस TV पैनल है। फॉल सीलिंग तो आपने देख लिया, मैं दोबारा की दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है वॉक इन वार्डरोब, काफ़ी अच्छा स्पेस है वॉक इन वार्डरोब एरिया का। ये काफ़ी इधर देखेंगे तो आपको स्लाइडिंग डोर के साथ मिल रहे हैं आपके वॉक इन वार्डरोब्स LED लाइट के साथ, इधर साइड में जो लाइट दी हुई है। और इधर है टॉप टू बॉटम देखने के लिए आपका मिरर एंड साथ ही में अटैच्ड वॉशरूम। इसकी अभी सैनिटरी फिटिंग्स हुई नहीं है, वैनिटी अभी आई नहीं है, अभी काम चल रहा है घर के अंदर। बट यार हमारी आदत तो आप सभी को पता ही है कि हम पहुंच जाते हैं पहले ही वीडियो बनाने के लिए, आदत से मजबूर कह सकते हैं आप। अब देखिए जैसे कि इसी बेडरूम से हम जाएंगे सीधा बैकयार्ड की ओर एंड वहाँ पे आपको दिखाते हैं बैकयार्ड स्पेस। ऑफ कोर्स बैकयार्ड में जा रहे हैं तो बैकयार्ड ही देखेंगे। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिल रहा है, इतना स्पेस ना चलता है, इतना डिसेंट स्पेस है, जितना हमें चाहिए उतना स्पेस मिल रहा है। अभी यहाँ पे टैप्स इंस्टॉल होने हैं, टैप्स के बाद अगर बोलूँ तो स्विचेस यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। दैट मीन्स एक अच्छा स्पेस हमें मिल रहा है हमारे क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर, जो कि बिल्कुल साथ ही में सेकेंड बेडरूम आता है। ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, ये देखिए। तो ये वो तो चलिए आपका बेडरूम था, ये आप अपने किड्स को दे सकते हैं बेडरूम या जैसे भी आपको यूज करना है। ऑफकोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी यूज कर सकते हैं बेडरूम। मिरर आप देख रहे होंगे तो मिरर अभी लगना बाकी है, अभी तो घर में बहुत काम होना बाकी है तो आप जरा इग्नोर करिएगा। एंड घर का लेआउट तो जरूर डेफिनेटली देखिएगा। इसके पीछे आप देखेंगे तो ये आपका वार्डरोब एरिया आ गया जो कि स्लाइडिंग के साथ है। अगर मैं इसको स्लाइड करके दिखा देती बट अभी नहीं कर सकती। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका TV पैनल, एक बड़ा TV आप यहाँ पे आराम से ला के इंस्टॉल कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरफ को आप देखेंगे तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया है, यहीं पे ही वो मिरर लगना है बट अभी लगा नहीं है। ये देखिए और ये आता है अटैच्ड वॉशरूम, इस तरफ को ये आपका वॉशरूम आ गया। एंड यहाँ आप देखेंगे तो आपके इसी बेडरूम से आपको अगेन एक्सेस मिल रहा है आपके बैकयार्ड का, जो कि हमने फर्स्ट बेडरूम से जाके अभी अभी देखा ही है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि बिल्कुल साथ ही में है इस तरफ को। इसके साथ एक बात ये है कि एंट्री बाहर से भी हो सकती है, बिल्कुल बाहर से, बिल्कुल मेन गेट से आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, मेन आपके डोर से होके आने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप ऑफिस स्पेस बना सकते हैं इस वाले एरिया को, आपकी मर्जी, आपको जैसे कन्वर्ट करना है वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस बेडरूम को। ये TV पैनल आ गया यहाँ पर, TV पैनल के बाद इस तरफ को आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया, यहाँ पे मिरर लगना बाकी है, इधर वार्डरोब्स आ गए और इन वार्डरोब्स के बाद इधर आता है अटैच्ड वॉश। तो अब बारी आती है आप सभी को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने की, उसकी स्टेप्स तो आप सभी ने पहले ही देख ली है, बिल्कुल बाहर से ही है। तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जाने की एंट्री आ गई है, सीधा मिलती हूँ आपको मैं फर्स्ट फ्लोर पे, आ जाइए। तो जैसे कि अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप खुद नीचे रह लीजिए एंड फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे दे दीजिए, या फर्स्ट फ्लोर पे रह लीजिए ग्राउंड फ्लोर को रेंट पे दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर जॉइंट फैमिली है तो वेल एंड गुड है, एक फैमिली ऊपर रह लेगी एक फैमिली नीचे रह लेगी। एंट्री करते ही सबसे पहले ये है
ड्राइंग एरिया आपका, यहाँ से आप देखिए विंडो आ गई, आसपास का आप व्यू देख सकते हैं। बालकनी की एक्सेस की बात करूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी बालकनी का एक्सेस बाहर से, सामने आपका पार्क आ जाता है एंड एक छोटी सी वुडन की पार्टीशनिंग भी की गई है ड्राइंग एंड डाइनिंग के बीच में। ये बेसिकली डाइनिंग एरिया आ गया, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं लगभग 6 सीटर डाइनिंग टेबल का, क्योंकि हमें नीचे भी उतना ही स्पेस मिल रहा है जितना हमें ऊपर मिल रहा है, दैट मीन 6 सीटर आराम से इंस्टॉल होगा। इधर आप देखेंगे तो ये है क्रॉकरी यूनिट, आपका बड़ा एक्सपेंसिव वाला क्रॉकरी, यहाँ पे आप इनको सेफली रख सकते हैं। उसके बाद इधर किचन आती है, ये देखिए ये आपकी मॉड्यूलर किचन आ गई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी। बेडरूम्स दिखाते हैं आपको, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये देखिए फर्स्ट बेडरूम आ गया, नीचे जैसा वॉलपेपर था एज इट इज ऊपर भी है। एंड इधर आपका टीवी पैनल आ गया, वुडन का टीवी पैनल है एंड साथ ही में आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया, जो कि आप देखेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ है बिल्कुल। एंड इधर आपका मिरर आ गया टॉप टू बॉटम देखने के लिए एंड साथ ही में इधर आपका आ गया अटैच्ड वॉश। और अब चलते हैं हम फिफ्थ बेडरूम की ओर। 3 बेडरूम नीचे देख लिए, 1 बेडरूम अब देख लिया हमने, 4 बेडरूम देख चुके हैं, मतलब ये हमारा फिफ्थ बेडरूम आ गया है। ये फिफ्थ बेडरूम है, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ चुकी है, बेड आपका इधर आएगा, बेड के बिल्कुल सामने इधर आपका टीवी आ जाएगा। टीवी के बाद बात करें कपड़ों की, अगर कपड़े कहाँ रखेंगे यार हम, इधर आपके क्लोथ्स आ जाएंगे आराम से, स्पेस काफ़ी सारी है, काफ़ी सारे क्लोथ्स आएंगे। अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ को आएगा, ये देखिए ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया। अब है आखिरी बेडरूम को देखने की बारी, इधर ये है आखिरी बेडरूम, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आती है, सामने टीवी पैनल आता है, यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपके फ्रंट बालकनी का, आपके वार्डरोब्स आ गए हैं, ये तो हमने देख लिया है। ऊपर आपकी टेरेस आ जाती है, एक ओपन टेरेस, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है वहाँ पर भी। तो दोस्तों आज का ये घर 6 BHK का घर था, 200 गज का, सेक्टर 89 के अंदर, पार्क फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप चाहते हैं रेंटल इनकम कमाना, घर बैठे बैठे कुछ पैसा कमाना अपने ही घर से, तो आप ये घर ले सकते हैं। अदर देन दैट अगर बात करूँ आपकी फैमिली के रहने की, तो 2 फैमिली अगर रह रही हैं जॉइंट फैमिली में, तो आप रह सकते हैं यहाँ पे, एक फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे रह ले, एक फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रह ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपको कैसे यूज़ करना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, आप नंबर लीजिए, कॉन्टैक्ट करें आपके अपने हैरी दत्त एंड टीम को। मिलती हूँ मैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा सो दैट हम सभी मिलते रहे। नमस्कार, शुक्रिया।